नमस्कार, मैं कुमार आनंद किरण ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से आज स्वागत करते हैं निकेतन कदम जी का, जिन्होंने यूपीएससी के सिविल सर्विसेज 2018 के एग्जाम में 501वां रैंक, 501 रैंक लाकर सफलता हासिल की है और मोस्ट प्रोबली इनको आईपीएस कैडर अलॉट होगा। निकेतन कदम जी का एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो इन्होंने 2013 में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस महाराष्ट्र के सांगली से इन्होंने कंप्लीट किया है। इनके कॉलेज का नाम था वालचंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। 2013 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद 2013 टू 2015, 2013 से 2015 तक इन्होंने टीसीएस में जॉब भी किया, बट अल्टीमेटली इनका गोल, इनका टारगेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आना था। तो देन आफ्टर 2015 में इन्होंने रिजाइन किया एंड 2016 ऑनवर्ड्स फुल फ्लेजेड सिविल सर्विसेज की तैयारी इन्होंने की और उसका परिणाम भी इनको मिला, क्योंकि 2017 पहले अटेम्प्ट में ही निकेतन कदम जी इंटरव्यू के लेवल तक पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली 2017 में इनको फाइनली सफलता नहीं मिली। इन्होंने अपनी सफलता के लिए अथक प्रयास, मैक्सिमम एफर्ट्स लगाते हुए 2018 में अगेन इंटरव्यू लेवल तक पहुंचे, बट उस बार भी किस्मत साथ नहीं दिया। लेकिन इन दो असफलताओं के बावजूद इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फाइनली 2019 के इंटरव्यू को इन्होंने क्रैक किया और जैसा अभी अभी आपको बताया गया कि इन्होंने अल्टीमेटली 501वां रैंक ला करके मोस्ट प्रोबली आईपीएस कैडर के लिए क्वालिफाई किए। तो आइए स्वागत करते हैं निकेतन कदम जी का। निकेतन कदम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी कंपनी में थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपके इस रैंक को प्राप्त करने के लिए। सो मच। निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी सफलता है और खास करके आप जैसे लोग जो कि लगातार 3 बार से या लगातार 2 बार से इंटरव्यू फेस कर रहे थे और अनफॉर्चुनेटली आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उस स्टेज तक जाकर के वापस आने के बाद कहीं आपको वो डिस्करेजमेंट नहीं हुई कि खामखा एक अच्छी खासी नौकरी करते हुए आपने रिजाइन किया और यहाँ आकर के इंटरव्यू के बाद फिर से वापस आ रहे हैं एंड अगेन आपको प्रिलिमिनरी लेवल से स्टार्ट करना पड़ रहा है? हाँ सर, ऐसा तो होता है क्योंकि आप जब इंटरव्यू लेवल तक पहुंचते हो और वहाँ पे जाके जब आपको सफलता नहीं मिलती है तो इट्स लाइक सेटबैक। तो लेकिन और एक उसके साथ एक पहलू ऐसा भी होता है, क्योंकि यूपीएससी का प्रिपरेशन और यूपीएससी का सिलेबस ऐसा है, आपको हर दिन आपको ये एक बात समझ में आती है कि आप में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो एक मन में तो एक बात लगती है कि इट्स वर्थ ऑफ इट, हम जो टाइम दे रहे हैं ये वर्थ है। और आप जो बात बोल रहे हो कि असफलता के बाद कैसे उठा जाए, लेकिन जो देखा जाए तो अप्रैल मई में रिजल्ट आता है फाइनल, और उसके बाद 1 से 1.5 महीने में फिर से प्रीलिम्स रहती है। तो शोक करने के लिए टाइम ही नहीं होता है, जो बिल्कुल शोक करता है उसकी प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि फाइनल रिजल्ट यूपीएससी का अप्रैल तक आता है और मई या जून के फर्स्ट वीक में आपका प्री होता है, तो उतना आपको सोचने का मौका ही नहीं मिल पाता होगा। लेकिन वो 15-20 दिन या 1 महीना का समय जिस समय आपको फाइनली पता चलता होगा कि नहीं हुआ, उसको कैसे आपने कोप अप किया? हाँ सर, ये तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा यही रहता है कि अगर कुछ फेलियर आता है तो वी आर नॉट अप टू द मार्क, अभी भी स्कोप है कुछ कि ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो मैं रिजल्ट के बाद 2-3 दिनों तक मैं एनालिसिस करता था कि व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या गलतियाँ हुई है मुझसे, और उस एनालिसिस के बाद फिर से मैं जोरों से तैयारी स्टार्ट करता था, क्योंकि मुझे पता रहता था कि आई कैन नॉट अफोर्ड, अगर मैं बहुत ज़्यादा दिन इसमें वेस्ट कर दूंगा तो ये पूरा साल स्टेक पे है। बिल्कुल लेकिन ये माइंडसेट बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ फेलियर आता है तो उससे लर्न करने का माइंडसेट रखा जाए तो चीजें आसान हो जाती हैं। दोस्तों, निकेतन जी ने ये बड़ी अच्छी बात बताई कि अपनी असफलता के बाद बजाय इसके कि डिसअपॉइंट हो जाए, डिस्करेज हो जाए
और शोक में चले जाएं, टाइम वेस्ट करें। इन्होंने ये कहा कि हर असफलता के बाद इन्होंने अपनी कमियों को, अपने अंदर जो भी ड्रॉबैक्स रहे हैं उसको असेस करने की कोशिश की है, उसको जानने की कोशिश की है और उसको दूर करने का प्रयास किया है, और उसी का परिणाम है कि आज ये एक सफल अभ्यर्थी के रूप में हमारे सामने बैठे हैं। थर्ड अटेम्प्ट में जब फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ, उस समय मैं जानना चाहूंगा कि फाइनल रिजल्ट किसने देखा, किसने बताया, आप उस समय कहाँ पे थे, और जब ये पता चला कि इस बार आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपका रिएक्शन क्या था? हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि इस बार जब रिजल्ट आने वाला था तो मुझे पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, लेकिन मेरी जो हमेशा की एक हैबिट है, मैं हर रोज शाम को एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालता हूँ। अच्छा। तो उस दिन भी शाम को मैं बाहर एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था, रनिंग और बाकी एक्सरसाइजेस, लेकिन उस दिन थोड़ा ज्यादा देर गया था मैं, क्योंकि डर तो लग ही रहा था, घबराहट तो थी। लेकिन जब मैं वापिस घर आया, मोबाइल वगैरह तो लेके जाता नहीं था मैं, तो जब वापिस घर आया तो देखा तो मेरे मोबाइल पे 32 मिस्ड कॉल्स थी। ओके। तो और एक कॉल आ रही थी। अच्छा। तो मैंने जब पिकअप किया, वो मेरे एक दोस्त की कॉल थी, तो पराग नाम का दोस्त है, उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस किया सीधा। ओके। तो मैंने उनको बोला कि रुको एक मिनट, लेट मी चेक माय नेम इन द लिस्ट। तो मैंने डिस्कनेक्ट किया, लिस्ट डाउनलोड करी, उसमें मेरा नाम देखा तो 501 रैंक था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि इट वॉज थर्ड टाइम डेफिनेटली। और रिएक्शन, मतलब मुझे रिएक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आने स्टार्ट ऑलरेडी हो गए थे। उसके बाद 2 घंटे तक तो मैं फोन पे ही बोलता रहा। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपने किसको कॉल किया, अपनी सफलता का ये न्यूज किसे दिया? जैसे मैंने कॉल डिस्कनेक्ट किया, वैसे सीधा मैंने मेरे पिताजी को फोन लगाया। बहुत बढ़िया। तो उनको मैंने बताया, तो वो बहुत बहुत ही ज्यादा खुश हुए ये सब सुन के। स्वाभाविक है। हाँ, तो फिर मेरे माता जी भी वही थी, तो उनके साथ भी मैंने बात करी। उसके बाद मैंने मेरे बड़े भैया को कॉल किया, क्योंकि मेरे माता पिता और बड़े भैया का ये सब, मेरे जो सक्सेस मिला है इसका श्रेय तो पूरी तरह से उनको ही जाता है। तो उनसे मैंने बात की, वो भी बहुत ज्यादा खुश हुए। अच्छा। उसके बाद फिर मेरे बड़ी बहन है और मेरे दोस्त है, वो दे सपोर्टेड मी थ्रू आउट। सबसे ज्यादा भरोसा उनको था, उनको हमेशा लगता था कि आई विल गेट थ्रू इट। तो फिर मैंने एक कल्पेश पगारे नाम का मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैंने उनको उसको कॉल किया, उसको बताया, तो मेरे से भी ज्यादा वो खुश था। चलिए, लकी हैं आप कि आपको इस तरीके के दोस्त मिले जो कि हर स्टेज पे आपको सपोर्ट किया उन लोगों ने। और जहाँ तक परिवार की बात की, तो मेरे ख्याल से हर इंडियन फैमिलीज में हर पेरेंट्स की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे अच्छा से अच्छा मुकाम हासिल करें और अच्छे रिजल्ट्स दें। एनीवे, आप TCS में जॉब करते हुए, चूँकि आपका बैकग्राउंड भी इंजीनियरिंग का रहा है और आपने जॉब भी किया है, तो जॉब करते हुए या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हुए सिविल सर्वेंट बनने की आपने कब सोची, या मैं यूं पूछूं कि आपके रोल ऑफ इंस्पिरेशन कौन रहे हैं? मेरा तो इंस्पिरेशन हमेशा मेरे पिताजी ही रहे हैं शुरू से ही। लेकिन ये जब सिविल सर्विसेज की बात आती है, जब मैं मेरे ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में था, तब भी मैंने सोचा था कि तब मैं आई केम अक्रॉस सम वीडियोज ऑन यूट्यूब कि UPSC भी होती है, उसमें IAS IPS जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, और मुझे हमेशा लोग बोलते भी थे, मेरे दोस्त वगैरह, कि मेरा फिजिक अच्छा था तो IPS आपको बहुत सूट करेगा। अच्छा। तो तब से मुझे लगता था कि हम ट्राई तो करना ही है UPSC, लेकिन बिकॉज ऑफ फिनेंशियल बैकग्राउंड तो मैं मुझे जॉब करने पड़े 2 साल के लिए। अच्छा। तो मैंने थोड़े पैसे अकुमुलेट करे उसके बाद, और फिर मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। मतलब पहले आप अपने पैरों पे खड़े हुए, सेल्फ डिपेंडेंट हुए, एंड देन आफ्टर आप फुल फ्लेज्ड सिविल सर्विसेज की तरफ आए। बट आपको ये ख्याल आया ग्रेजुएशन थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में? यस सर। अच्छा, बहुत कम समय में आपने अपनी सफलता हासिल की है, इसके लिए अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इस प्रिपरेशन करने के दरमियान, जैसे आपने भी जब प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी, तो सबसे पहले आपने UPSC का सिलेबस देखा होगा। सिलेबस देखने के बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आया होगा कि इसके लिए कौन कौन सी स्टडी मटेरियल आपको लेनी है, या कौन सी बुक परचेज करनी है, किस नोट्स से आपको पढ़ना है, सो दैट आप अपनी सफलता को एज सुन एज पॉसिबल प्राप्त कर सके। उसके लिए आपने क्या क्या किया?
हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। बहुत बार ऐसे होता है कि एस्पिरेंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बिल्कुल और ये ट्रायल एंड एरर में 1-2 साल भी चले जाते हैं, कई बार तो ऐसा बिल्कुल होता बिल्कुल है। लेकिन जब मैंने सोचा कि अब मुझे फुल फ्लेज प्रिपरेशन स्टार्ट करना है हाँ और रिजाइन करके जाना है, तो मैंने हाँ दिल्ली आने का सोचा था। ठीक है तो मेरे ऑलरेडी यहाँ पे दो दोस्त थे, एक विनय करके और एक अविनाश करके, उनको यहाँ का सब पता था तब तक। ठीक है तो जैसे मैं यहाँ पे आया तो उन लोगों ने मुझे क्लियरली बोल दिया कि देखो ये सारी वेल डिफाइंड सोर्सेस है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। अच्छा पहले सबसे पहले बात तो ये करनी है कि आपको मेंस का सिलेबस पूरी तरीके से बाय हार्ट करना है, और उसके बाद ये बुक्स है। अच्छा क्योंकि क्या होता है कि सेम मटेरियल डिफरेंट सोर्सेस में होता है, डेफिनेटली लेकिन फिर कंफ्यूज इतने होते हैं एस्पिरेंट्स के, वो सारे सोर्सेस देखने की चाहते हैं कोशिश भागते हैं करते उसके हैं पीछे, राइट। तो मुझे उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया था, इसलिए मेरी कंफ्यूजन बहुत कम थी उस बारे में, सोर्सेस के बारे में। बहुत अच्छा और उसके बाद तो फिर मेरा एक एक चीज ऐसी भी हुई कि मैं पहले से इंटरनेट को बहुत अच्छी तरह से यूज कर लिया करता था, अच्छा कि अच्छा आई कैन लिमिट माई सेल्फ। बहुत बार इंटरनेट पे ऐसा होता है कि एक बार हम कुछ सर्च करने लग जाते हैं तो लिमिट नहीं हाँ रहता है। वैसे तो टाइम भी होते हैं हाँ, हाँ तो वो एक बात भी थी कि मैं लिमिट कर लेता था खुद को। तो बहुत सारे मेंस का सिलेबस के पॉइंट्स मैंने इंटरनेट से भी कवर किए। तो इसका मतलब आपके दोस्तों ने जो जो भी एडवाइस किया कि ये लिमिटेड बुक्स हैं, ये लिमिटेड नोट्स हैं, या लिमिटेड स्टडी मटेरियल्स हैं, इस पे ही आपको फोकस करना है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यस सर, उनकी बातों को आपने माना। यस सर, बहुत बढ़िया। बुक्स और स्टडी मटेरियल की जब बात हो रही है निकेतन जी, तो हमारे किरण पब्लिकेशन की तरफ से भी यूपीएससी के लिए कई सारी बुक्स पब्लिश की गई हैं, तो क्या आपने हमारे पब्लिकेशन की किसी बुक्स को देखा था? हाँ सर, मैंने आपका जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से जीएस के और सीसैट के सीसैट के, तो मेरे एक दोस्त के पास वो बुक था, तो अच्छा आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू इट, कि मैंने देखा उसमें एक्सप्लेनेशन का जो पार्ट है वो हाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, और जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, बिल्कुल बिल्कुल तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, तो आई रेफर्ड दैट बुक फॉर। अच्छा आप शायद इस बुक की बात कर रहे हैं जो अब तो लेटेस्ट एडिशन भी आ गया राइट इसका, सर, हाँ जिसमें जी, 2019 के क्वेश्चंस को भी कंपाइल कर दिया गया इसमें, और 2011 टू 2019, इनफैक्ट इसके पहले वाली बुक जो है उसमें और भी पुराने क्वेश्चंस का कंपाइलेशन यस है। सर, हाँ और जैसा निकेतन जी ने बताया कि न सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, बल्कि उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेटरी आंसर्स भी दिए हुए यस हैं, सर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, और वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको लगा कि ये बुक जरूरी है? हाँ। तुम ये बुक इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपीएससी ऐसे एग्जामिनेशन है उसमें जिसको प्रीवियस इयर्स के क्वेश्चंस का पैटर्न एक बार समझ में आ जाता है तो उसके लिए प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल तो आई वुड रिकमेंड एस्पिरेंट्स कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस है और उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दिया है, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए थैंक यू इसके लिए निकेतन जी आपको। अब प्रीलिम्स की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो प्रीलिम्स में एक बहुत बड़ा रोल होता है, इवन मेंस में भी, टेस्ट सीरीज का। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने टेस्ट सीरीज कहाँ ज्वाइन किया और कितने टेस्ट की प्रैक्टिस आपने की अपने स्पीड को एनहांस करने के लिए या फिर अपने टाइम को मैनेज करने के लिए? इन केस ऑफ प्रीलिम्स मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, तो उस टाइम पे मैं क्या करता था कि प्रीलिम्स के 5 महीने पहले से हर संडे को मैं एक टेस्ट सॉल्व करता था, अच्छा और 1 महीना पहले तो फिर महीने में मैंने 10 टेस्ट सॉल्व करे। मैंने कई टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी थी, ऑनलाइन पीडीएफ्स अवेलेबल थे तो मैं घर रूम में बैठ के ही कर लेता था ये सारी चीज़ें। मैं सेल्फ एनालिसिस करता था कि मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया यहाँ पे और एक बात मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत बार क्या होता है कि ये जो टेस्ट सीरीज होती है प्रीलिम्स के लिए, वो सॉल्व करने का अप्रोच हमारा गलत होता है। बहुत बार हम उसको प्राइमरी पर्पज हम नॉलेज गेन करना लेते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। हमारा प्राइमरी पर्पज ये होना चाहिए कि हम अपनी खुद का अप्रोच कैसे डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब हमने 80 क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमारे कितने स्कोर आता है, 90 किए तो कितना स्कोर आता है, बिल्कुल उससे कम किए तो कितना आता है, ये अपने खुद की स्ट्रैटेजी डेवलप करनी चाहिए। और सेकेंडरी पर्पज यस डेफिनेटली कि नॉलेज गेन करना भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल तो मैंने करीब 30-35 टेस्ट सॉल्व करे थे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद मैं 10 करता हूँ हर बार। अच्छा
मतलब हाँ बताएं। एडिशनली सर आपने मेंस के टेस्ट सीरीज के बारे में भी पूछा, तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, ये क्रिटिकल पार्ट है ये यूपीएससी की प्रोसेस का, क्योंकि अराउंड 1750 मार्क्स का वेटेज है उसको। बिल्कुल तो मैंने ये जो अटेम्प्ट है जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने अराउंड 20 टेस्ट लिखे थे जीएस के और 12 टेस्ट लिखे थे मेरे ऑप्शनल के। तो आपको आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, अगर पॉसिबल हो तो हर रोज आपको एटलीस्ट 1 आवर के लिए लिखना ही लिखना है, प्रीलिम्स के बाद मेंस तक। बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे होंगे पीछे के वीडियोस में भी जो सक्सेसफुल कैंडिडेट आए थे हमारे पास, उन सारे लोगों का एक कॉमन एडवाइस ये है कि हर दिन एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस आप आंसर राइटिंग के लिए करते रहें, सो दैट एक फ्लुएंसी बनी रहे और आपको ये पता चल सके कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर कितने पॉइंट्स में लिखना है या उसके लिए कौन कौन सी चीजें रिलेवेंट है जिसको मेंशन करना है। मेंस की अगर हम लोग बात करते हैं निकेतन जी, तो इसमें सबसे वाइटल रोल प्ले करता है जनरल स्टडीज, यस और आज के डेट में जनरल स्टडीज के 4 पेपर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हम आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जीएस पार्ट 1, 2, पार्ट 4 इसकी तैयारी आपने कैसे की। यस सर श्योर। तो GS 1 से लेके 4 तक, GS 1 का जो सिलेबस है वो मोस्टली स्टैटिक है, तो GS 1 के लिए वेल डिफाइंड सोर्सेस है, बहुत ही मतलब फेमस बुक्स है उसके लिए, तो मैंने वो सब कंपाइल करके रखे थे, कंसोलिडेट करके रखे थे। और जो एक डायनामिक पार्ट है उसमें जैसे कि इंडियन सोसाइटी हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें उनके मेरे हैंड रिटन नोट्स थे, वो मेरी एक फाइल मैंने बना के रखी थी, तो एक मेरा बंच रहता है, बंच क्रिएट करके रखा है मैंने। तो सेम फॉर GS 2 एज वेल, तो जो बुक्स हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गया पॉलिटी के लिए, वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा करंट अफेयर्स के जो नोट्स होते हैं वो निकालिए, उसका एक बंच तैयार करके रखिए, और एक पूरा वो बंच रहेगा कंसोलिडेटेड GS 2 के लिए। सेम फॉर 3, सेम फॉर 4। GS 4 के लिए एक मैंने मेरी एक खुद की एक स्ट्रैटेजी थी, जिसमें मैंने क्या किया था, सिलेबस में जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे हो गया अकाउंटेबिलिटी हो गया, देन सिटीजन चार्टर्स, एप्टीट्यूड, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, मैंने हर एक कीवर्ड की मैंने अपने खुद के वर्ड्स में डेफिनेशन लिखी, और हर एक कीवर्ड पे 2 या 3 एग्जाम्पल्स लिखे रियल लाइफ, और मैं यही रिवाइज करता था। चलिए बहुत अच्छी बात बताई निकेतन जी ने कि हर पेपर के ऊपर इन्होंने अपना एक पर्सनल नोट्स भी बनाया, और उस पर्सनल नोट्स बनाने का एडवांटेज ये होता है कि लास्ट मोमेंट में जब एग्जाम आपके बिल्कुल नजदीक होता है तो उस समय आपको बुक पढ़ने का टाइम नहीं होता है, यस सर। और नोट्स जो बना बना के रखे होते हैं आप, एक तो चूंकि आपका लिखा हुआ होता है तो कई सारी चीजें तो बैकअप माइंड में पहले से होती हैं, और फिर उसको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है ना। बातों बातों में मैं ये पूछना भूल गया कि आपने अपना ऑप्शनल पेपर कौन सा रखा था। हाँ सर, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है। अच्छा हाँ, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं जब यहाँ आया था दिल्ली, तो मैंने ये सोच के आया था मैं कि ज्योग्राफी ऑप्शनल लूँगा, लेकिन मेरे दो दोस्त यहाँ पे ऑलरेडी थे, मैं यहाँ आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि एक बार फिर सोचो, उन्होंने हाँ मुझे 3-4 ऑप्शंस बताए थे, एक ओके एंथ्रोपोलॉजी था, एक सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने बोला कि ये सबके सिलेबस गो थ्रू करो और उसके बाद डिसाइड करो। तो मैंने जब एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस देखा तो मुझे लगा कि मेरे जो सराउंडिंग्स है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस सिलेबस में है। बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ट्राइबल्स में पहले से इंटरेस्ट था, मैं जब काम करता था तब उसके CSR एक्टिविटीज़ में मैं ट्राइबल एरियाज में जाके काम किया करता था, जब मैं TCS में काम करता था तब, तो अच्छा मुझे लगा कि ये दिस इज द सब्जेक्ट, इसमें ओके मेरा इंटरेस्ट भी है और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर पाऊंगा, तो उस तरीके से तो मैंने। तीनों बार जो आपने मेंस लिखा उसमें एंथ्रो के साथ ही लिखा, हाँ सर, और शुरू की दो असफलताएं जो मिली आपको, अनफॉर्चुनेटली कहा जाएगा, बट वो जो दोनों बार आप अनसक्सेस रहे हैं, तो उसके पीछे आपको रीजन क्या लगा, क्या कमी थी जिसकी वजह से आपको फर्स्ट या सेकेंड अटेम्प्ट में फाइनली रिजल्ट नहीं मिल पाया था। सर मैंने बहुत अच्छी तरह के तरीके से एनालिसिस करा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक चीज़ मुझे बहुत मतलब
हर बार वही होती थी। एक चीज मुझे समझ में आई कि मेरा मेंस में थोड़ा स्कोर कम आ रहा था अच्छा और लास्ट टू अटेम्प्ट्स में मेरा इंटरव्यू में भी बिलो एवरेज स्कोर आया था, तो ओके मैंने अक्रॉस द बोर्ड सब सब्जेक्ट्स में इम्प्रूवमेंट की, उसके बाद में लिस्ट में आया। अच्छा, और इस बार मैं जानना चाहूंगा कि इंटरव्यू में आपके कितने मार्क्स थे? इस बार मुझे 176 मार्क्स आए इंटरव्यू। गुड। तो अगर यूपीएससी की बात करें हम लोग, तो आपके बायोडाटा में ये भी देखा हमने कि आपने सीएपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम को भी क्लियर किया था। यस। इसका मतलब यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप फोर टाइम गए, है ना? तो इंटरव्यू का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हैवोक रहा होगा या उससे कोई फियर रहा होगा उसका। हाँ सर, लेकिन फर्स्ट टाइम जब गया था और ये फोर्थ टाइम गया, इसमें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था, डेफिनेटली। लेकिन फिर भी इंटरव्यू के रूम में जाते वक्त थोड़ा नर्वसनेस तो होता ही है, तो लेकिन एक बार वहां जाके 1 मिनट स्पेंड कर लो तो फिर एक ठीक कंफर्टेबल हो जाता मेरे है। ख्याल से इंटरव्यू के लिए जिस नर्वसनेस की बात निकेतन जी कर रहे हैं वो होनी भी चाहिए, क्योंकि वही नर्वसनेस आपको अलर्ट भी करता है। यस सर, एग्जैक्टली। अगर वो नर्वसनेस न रहे तो मे बी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए और शायद उसका गलत इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस पे पड़े। निकेतन जी, अभी अभी हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे थे कि आप इंटरनेट से फ्रेंडली थे और उसका मैक्सिमम यूज करते थे। तो मैं चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में इंटरनेट का क्या रोल रहता है, और हमारे व्यूअर्स को आप गाइड करें कि इंटरनेट का यूज कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी साइट पे जानी चाहिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्टिव हो। ये बहुत बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरनेट का जब हम यूज करते हैं तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल जो करना चाहते हैं वो छोड़ के बहुत सारी चीजें कर लेते हैं हम। तो इंटरनेट के यूज के लिए मैं पहली बात बताऊंगा कि यूट्यूब का बहुत अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए। उसमें स्पेशली राज्यसभा टीवी के जो वीडियोस होते हैं उसमें एक बिग पिक्चर है, देन देश देशांतर भी एक अच्छा है, देन इंडियाज वर्ल्ड, ये सारे प्रोग्राम्स है। और मेरा, जैसे कि मैंने बोला, मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो एक राज्यसभा टीवी की एक सीरीज है मैं भी भारत नाम की। अच्छा। उसमें एक हर एक एपिसोड में पर्टिकुलर ट्राइब पे फोकस किया जाता है, उनका सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट सब बताया जाता था, तो वो भी मैं देखता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल है लर्निंग स्पेस नाम का, अच्छा, तो मैं वो भी फॉलो करता था। और वेबसाइट्स की अगर बात करी जाए तो मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट हो गई और PIB की वेबसाइट हो गई, मैं ये फॉलो करता था। बहुत बढ़िया। इंटरनेट के साथ साथ हम लोग न्यूज़पेपर के रोल को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रिलिमिनरी लेवल से लेकर के इंटरव्यू लेवल तक अगर किसी का रेगुलर साथ या जरूरत पड़ती है तो वो न्यूज़पेपर है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते थे और न्यूज़पेपर पढ़ने की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैं तो मेरे पूरे प्रिपरेशन में मोस्टली दी हिंदू न्यूज़पेपर प्रेफर करता था, लेकिन इंटरव्यू के पहले दी हिंदू एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस, ये दो न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था। न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त सबसे पहली बात ये है कि हमें मेंस का सिलेबस बाय हार्ट होना चाहिए। कोई भी न्यूज हम पढ़ने से पहले उसको हमें सिलेबस के साथ कनेक्ट करना है। बिल्कुल। अगर इफ वी कैन कनेक्ट दैट न्यूज तभी वो न्यूज पढ़नी है हमें। बिल्कुल। और पढ़ते वक्त ये चीज हमें हमेशा बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि इसमें से मुझे 4 से लेके 5 बुलेट पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है। और एंड ऑफ द न्यूज अगर आप वो 5 बुलेट पॉइंट्स निकाल पा रहे हैं तभी उसका यूज अच्छे से होता है और इफेक्टिव यूज होता है। तो क्या न्यूज़पेपर रीडिंग करने के समय ही उसके पॉइंट्स निकालते रहने चाहिए? हाँ, ये तो डिपेंड करता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ब्लैंक पेजेस ले सकते हैं और वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर टॉपिक हर दिन कुछ न्यूज आती है तो उसमें 4-5 पॉइंट्स हर दिन वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अच्छा। जब प्रिपरेशन बच्चे स्टार्ट करते हैं उस समय न्यूज़पेपर रीडिंग करने की बात अगर हम लोग करें तो डेफिनेटली वो बहुत डीपली न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की रीडिंग के बाद उनको ये फील होता है कि बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने डिवोट कर दिया न्यूज़पेपर रीड करने में, इतना टाइम नहीं करना चाहिए या उस टाइम का यूटिलाइजेशन किसी दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने में करना चाहिए। तो मोर ऑर लेस कितनी देर की न्यूज़पेपर रीडिंग जरूरी होती है?
ये भी मतलब बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन है यूपीएससी की प्रिपरेशन फेज का, हाँ क्योंकि ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। जब मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया था हाँ तो मैं इनिशियली मैं आई यूज्ड टू टेक 4 आवर्स टू हाँ कंप्लीट दी हिंदू, हाँ लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर आप खुद से कर रहे हो सारी चीजें तो ग्रेजुअली ये टाइम कम होता जाता है। बिल्कुल और मैंने जैसे कि पहले बोला है कि अगर हम कौन सी भी न्यूज पढ़ रहे हैं और उस न्यूज में से हमें 5 पॉइंट्स निकालने हैं तो इजी हो जाता है सब, हम जल्दी खत्म कर पाते हैं सारी बिल्कुल चीजें। बिल्कुल अगर बिल्कुल हम ऐसे वेगली रीड कर रहे हैं कि सिर्फ मतलब पढ़ना ही है सिर्फ, तो बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है और उसका आउटपुट भी बहुत कम रहता है। ये एक पॉइंट नोट करने वाली है फ्रेंड्स कि निकेतन जी ने कहा कि न्यूज़पेपर पढ़ने के समय उसके जो भी हेडलाइंस हैं उसको हम कनेक्ट करें अपने मेंस के सिलेबस के साथ। अगर मेंस के सिलेबस के साथ वो कनेक्ट कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, एंड देन आपको टाइम भी कम लगेगा और उसके पॉइंट्स आपको नोट करके रख लेने हैं सो दैट कि यस आप आगे रिवाइज कर सकें। यस इस प्रिपरेशन में एक एसे जो 200 मार्क्स का होता है, 250 मार्क्स का होता है सॉरी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है यस सर क्योंकि एसे की तैयारी भी करने में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन कौन से एसेज को करना चाहिए या किस टाइप के एसेज पूछे जाते हैं या फिर उसका प्रॉपर एक आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपने एसे की तैयारी कैसे की। ऐसे की तैयारी मैं मेरे पहले अटेम्प्ट से मैंने एक खुद की स्ट्रैटेजी बना ली थी कि ऐसे को कौन से भी ऐसे को कैसे हम अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ऐसे होते हैं इससे ऐसे में कि हमें पहले तो टाइटल बहुत अच्छे से समझना है। तो जो हम अच्छे से टाइटल डिसाइपर कर सकते हैं तभी हमें उसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, अदरवाइज वी आर मेकिंग ब्लंडर। तो पहली बात तो टाइटल अच्छे से डिसाइपर करिए। दूसरी बात ऐसे हो गई कि मेरी खुद की एक स्ट्रैटेजी है कि मैं अभी भी 5 से लेके 6 क्वेश्चंस पूछता हूँ खुद को और राइट डाउन कर लेता हूँ मैं वो रफ वर्क में कि ये सारे क्वेश्चंस है और उसके बाद मैं एक फ्रेमवर्क बनाता हूँ। अच्छा तो इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन, और एट दी एंड मैं वो क्रॉस चेक करता हूँ वो जो मैंने 5 से लेके 6 क्वेश्चंस किए कि ये क्वेश्चंस मेरे फ्रेमवर्क में आंसर हो रहे हैं या नहीं, अच्छा अच्छा सो दैट वी डोंट मिस एनीथिंग, ओके एंटायरली हम कवर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ऐसे है एक सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको मल्टीपल डायमेंशंस देनी है, एक फैक्ट्स भी देने हैं उसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी देने हैं, आप ये सबको बैलेंस करना है आपको, तभी आपका एक ऐसे कॉम्प्रेहेंसिव होता है। ऐसे के ऊपर किरण प्रकाशन की हम बात करें तो जैसे आपने कहा था कि जनरल स्टडीज और सीसैट के लिए क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, वैसे हमारा ऐसे का शॉर्ट पेपर है और इसमें आप देख रहे हैं कि 1993 टू टिल डेट, तो बहुत सारे ऐसे इसमें दिए हुए हैं जिसका आंसर भी है। तो इस किताब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। सर मैं जब यहाँ पे आया तो अच्छा मैं जब बातचीत कर रहा था बाहर तो मैंने ये बुक देखी ओके तो जो सारे के सारे एसे इसमें कवर किए हुए हैं। हाँ मैं आई गॉन थ्रू वन ऑफ द एसेस, तो मैंने जिस प्रकार अभी बोला कि कैसे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए तो उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे डायमेंशंस एड्रेस करी हुई थी उस एसे में। अच्छा तो अच्छा इट्स वेरी गुड, मतलब किसी को कंफ्यूजन हो कि ऐसे कैसे लिखना है तो दे कैन रेफर। इसका सपोर्ट आप ले सकते हैं कि किस तरीके के ऐसे पूछे जाते हैं क्योंकि ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि इसमें गलत कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो। और देन आफ्टर इसका चूंकि आंसर भी दिया हुआ है तो एक अप्रोच आपको पता चलेगा कि अगर आपको कोई टॉपिक दी जाती है तो आप उसका आंसर कैसे लिख पाएंगे। लास्ट में बारी आती है इंटरव्यू की, तो अब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे की, आपका इंटरव्यू किस बोर्ड में था, किस हाफ में आपका इंटरव्यू हुआ था और उस इंटरव्यू के एंजाइटी के ऊपर आपने कैसे कंट्रोल किया था। श्योर सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है? मेरे ख्याल से इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमारी बहुत पहले से ही स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है, तो हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुए, हमारी इंटरनल वैल्यूज़ क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इट्स नॉट द प्रोसेस ऑफ 1 और 2 ईयर्स, तो ये तो पहले से चलती आ रही है प्रोसेस, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि
कि जो हमें उन दो दो या 3 महीने में करनी होती है। बिल्कुल तो पहली चीज ऐसे हो गई कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें टॉकिंग पॉइंट्स बनाइए कि इस पे पर्टिकुलर न्यूज़ पे या कोई इश्यू हो तो उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। तो मैं आई यूज टू मेक दोज टॉकिंग पॉइंट्स, एक हो गया। दूसरी बात ऐसे हो गई, जिनको किसी को लगता है कि उनका कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, तो उन्होंने मिरर के सामने खड़े होके एक टॉकिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। दो हो गए। बहुत सारे मॉक इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 से 4 मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, वो भी एक खुद को टेस्ट करने के लिए दीजिए, उनका फीडबैक आप पॉजिटिवली लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत निगेटिव फीडबैक्स आते हैं बिल्कुल तो हम बिल्कुल डीमोरलाइज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, पॉजिटिवली ही लेना है ये सारी चीज़ों को। और उसके बाद एक बात आपने पूछी सर कि वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना है खुद को, अपने एंग्जाइटी जो होती है। हाँ तो मेरा इस बार बोर्ड था सत्यवती मैडम का, अच्छा तो इस बार मेरे अच्छे मार्क्स भी आए हैं, 176। तो मैंने जैसे ही पहले कहा है आपको कि पहले जो 2-4 मिनट होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हैं, लेकिन बिलीव मी, हम जब अंदर जाते हैं बोर्ड के सामने तो दे विल मेक अस कंफर्टेबल, बहुत वो हम बढ़िया होमली फीलिंग देते हैं वो। लेकिन वहाँ पे हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं वो हमें बैक ऑफ द माइंड उस पर एक बार सोचना है, उसके बाद ही बोलना है। इसको बोलते कामनेस और कंपोजर, और पॉज लेके हमें उसको रिप्लाई देना है, तो फिर हम गलतियां भी बहुत कम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से आंसर भी दे पाते हैं। बहुत बढ़िया। कई बार इंटरव्यू देने के समय ये होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट जानते हैं उस आंसर को देने में उनकी पिच बहुत हाई हो जाती है या बहुत तेजी में उस आंसर को दे देते हैं तो उसका एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आंसर जो जानते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं उसको देने का क्या या किसी भी आंसर को देने का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए? ये बात बहुत बार होती है, जो चीज़ें हम जानते हैं तो उस पर हम सडनली जंप कर जाते हैं। हाँ तो मैंने जैसे पहले कहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो हमें जंप करना नहीं है, हमें उसके बारे में सोचना है, भले हमें उसका आंसर बहुत अच्छे से आता हो, रेडीली अवेलेबल हो, फिर भी सोचना है क्वेश्चन क्या है, अच्छे से वो सुनना है, उसके बाद ही हमें उसको रिप्लाई देना है। तो हमारे पिच में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। ये एक चीज़ होगी। और इंटरव्यू के बारे में और एक बात बताना चाहूँगा सर। तो बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि मेरा ये थर्ड इंटरव्यू था, हाँ लास्ट 2 इंटरव्यूज में मेरा स्कोर कम आता था, आई गॉट बिलो 150 मार्क्स। ओके तो मेरे जो गलतियाँ हैं, मैंने क्या गलतियाँ की थी वो आप लोगों को नहीं करना है, वो मैं बताना चाहूँगा। तो पहली बात ये हो गई कि मैं जब भी कभी इंटरव्यू के लिए जाता था तो मैं ये सोचता था कि मैं बाहर कब आऊँगा, तो ये सोच के जाता था। तो इससे क्या होता था कि आई कुडंट डू इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन विद देम। लेकिन इस बार मैंने ये माइंडसेट बनाया था कि आई विल गो इनसाइड और आई विल हैव इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन। और सिमिलरली ऑन एक्सपेक्टेड लाइन ऐसा ही हुआ, आई वॉज काम कंपोज्ड और बहुत अच्छे से हमने कन्वर्सेशन किया। इस बार क्वेश्चन आंसर हुआ ही नहीं हमारा, कन्वर्सेशन हुआ और आई गॉट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। बहुत बढ़िया। तो आई होप जो निकेतन जी से बातचीत हुई है उसका एक एडवांटेज फोर्थ कमिंग एग्जाम्स के लिए आप उठा पाएंगे और जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उसको उनको मैक्सिमम एडवांटेज मिलेगा। तो निकेतन जी आपका यह हमारे कंपनी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फोर्थ कमिंग जर्नी। थैंक थैंक यू यू सो मच सर। थैंक थैंक यू। यू सर।